नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो आज हम बात करेंगे यूपी टेट एग्जाम 2022 लेटेस्ट अपडेट के बारे में। तो आज हमारी तारीख हो चुकी है 2 सितंबर 2022 की। बड़ी अपडेट में सबसे पहले बात करेंगे आज की ब्रेकिंग न्यूज। यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट के हर एक अपडेट को हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। आवेदन शुरू अंतिम तारीख। जी हाँ दोस्तों, काफी बच्चे परेशान है कि यूपी टेट का आवेदन शुरू तो नहीं हो गया और उसकी लास्ट डेट क्या हो सकती है और पेपर कब तक होगा। एक और दोस्तों गुड न्यूज है जो कि हम आपके सामने रखेंगे। केंद्र सरकार पेंशन भोगियों को देगी ये सुविधा, दूर होंगी दिक्कतें। पूरी अपडेट हम आपके सामने रखेंगे। टीजीटी पीजीटी को लेकर बड़ी अपडेट। भर्तियों पर जोर है, हाथ पर हाथ धरे बैठा चयन बोर्ड। जी हाँ दोस्तों, पूरी अपडेट को देखेंगे। उसके बाद देखिए, प्राथमिक विद्यालय का गेट गिरा, बच्चे की हो गई मौत। हर एक अपडेट को देखेंगे। उसके बाद दोस्तों News24 के माध्यम से एक अपडेट जो आई थी कि झारखंड नंबर कमाए तो छात्रों ने टीचर को पेट से बांधकर पीटा, वीडियो हुआ वायरल। जी हाँ दोस्त, यहाँ पर प्रैक्टिकल में नंबर बच्चों को कम दिया गया था, उसके बाद बच्चों को गुस्सा आ गया और आपके सामने सब कुछ यहाँ पर दिख रहा है। देखिए, अभी आप लोग नए शिक्षक भर्ती के लिए आवेदन करेंगे सुपर टेट। आपको बता दें दोस्तों, जब चयन सूची जारी होती है ना, तो 0.11 गुणांक से बच्चों का नौकरी का सिलेक्शन रुकता है, मतलब नियुक्ति पत्र का रास्ता खत्म हो जाता है एक एक नंबर से। ये तो हम गुणांक की बात बता रहे हैं। अगर आज आपको लगता होगा कि यार हम डीएलएड में 525 नंबर का प्रैक्टिकल होता है, कुछ बच्चों को आपको बता दे 520 नंबर मिल जाता है, कुछ बच्चों को दोस्तों 500 ही नंबर मिल पाता है, या कुछ बच्चों को 510 नंबर मिलता है, ठीक है। और बीएड में भी यही हाल है। देखिए, नंबर की वैल्यू आपको तब समझ में आती है एक एक दो दो नंबर की, जब आपका चयन एक या दो नंबर से रुक जाता है। अगर आपके घर में आपके साथी होंगे 69,000 शिक्षक भर्ती में सम्मिलित दोस्त यार, आप उनसे पूछिएगा जिन बच्चों का चयन नहीं हुआ, तो वही आपको बताएंगे यार कि हमारा 1, 2, 4, 5 नंबर से रुका हुआ है सब। सीटेट की ऑफिशियल वेबसाइट ये आपके सामने रही। जी हाँ दोस्तों, जैसे ही आवेदन को लेकर कोई नई नोटिस जारी होगी, सबसे पहले हम आप तक अपडेट पहुंचाएंगे, बेफिक्र रहिए, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं यूपी जूनियर एडेड सिलेक्शन एग्जाम 2021 साइन इन। यहाँ से दोस्तों साइन इन करके आप लोग अपना पुराना रिजल्ट डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन अभी दोस्तों 1894 शिक्षक भर्ती कही है या 1504 सहायक अध्यापक के पद हैं, जिसमें 390 प्रधानाचार्य के। जिस वैकेंसी का दोस्तों नया मतलब रिजल्ट आएगा, पुराने रिजल्ट में कुछ बड़ी धांधली देखने को सामने आई। कुछ बच्चे जिनका नंबर ज़्यादा था उनका कम होगा, जिन बच्चों का नंबर कम था उनका ज़्यादा होगा। रिजल्ट जल्दी आपके सामने आने वाला है, ठीक है। हर एक अपडेट हम आप तक पहुँचाएंगे। फिलहाल आप लोग परीक्षा की तैयारी बेहतर तरीके से करिए, ठीक है। तो ये 2, 1894 शिक्षक भर्ती के हर एक अपडेट आपके सामने हो गई। ये सीटेट की अपडेट है। ये दोस्तों आप देख सकते हैं कि झारखंड से जो अपडेट आई थी, वो इसीलिए होता है कि जब कभी कभी आगे फ्यूचर में आपके साथ एक एक दो दो नंबर वाला मैटर फंसेगा, तब आपको ये दिक्कत समझ में आएगी, ठीक है। तो दोस्तों इस गुड न्यूज को देखते हैं कि सरकार पेंशन भोगियों के जीवन को सुगम बनाने के लिए एक पोर्टल विकसित करने पर काम कर रही है। पेंशन और पेंशन भोगियों कल्याण विभाग के सचिव श्री निवास ने इसकी जानकारी दी है। पेंशन भोगियों का जीवन सुगम बनाने को एकीकृत पोर्टल पर काम कर रही है केंद्र सरकार। जी हाँ दोस्तों, आने वाले टाइम में जब आप लोग सरकारी कर्मचारी बनेंगे, उसके बाद पेंशन, अभी देखिए पुरानी पेंशन को लागू कराने के लिए भी लगातार अभियान जारी है। अगर दोस्तों पुरानी पेंशन को लागू कर दिया जाता तो इसका सीधा सा फायदा आपको ही मिलेगा। हर एक अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे, कोई भी खबर आपसे देखिए छूटने वाली नहीं है। टीजीटी पीजीटी की अपडेट देखिए। एक और सरकार का जोर तेजी से भर्तियां पूरी करने पर है, तो वही उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड हाथ पर हाथ धरे बैठा है। सदस्यों के सभी 10 पद रिक्त होने के कारण प्रदेश के 4,500 से अधिक सहायता प्राप्त माध्यमिक स्कूलों में शिक्षकों और प्रधानाचार्यों की भर्ती नहीं हो पा रही है। यहाँ तक कि प्रधानाचार्य की भर्ती 2013 की सारी विधिक अड़चनें दूर होने के बावजूद सदस्यों की कमी के कारण ही परिणाम घोषित नहीं हो पा रहा है। तो गाइस, आप देख सकते हैं हर जगह बच्चे जूझ रहे हैं, नियुक्ति पत्र का रास्ता क्लियर नहीं हो पा रहा, वैकेंसी कंप्लीट नहीं हो पा रही है, ठीक है। तो ये सब दोस्तों पूरा मामला है। उसके बाद जरा इस अपडेट को देखिए जो कि उन्नाव से आई। 12 सगवर के ग्राम कांटी मुबारकपुर में गणेश महोत्सव कार्यक्रम के दौरान बुधवार शाम को खेल खेल में प्राथमिक विद्यालय के मेन गेट पर चढ़कर झूल रहे 6 वर्षीय यश पर पिलर समेत गेट भरभराकर गिर गया। कानपुर के दोस्तों LLR अस्पताल में उसको मृत घोषित किए जाने के बाद गुरुवार सुबह विद्यालय के बाहर शव रखकर हंगामा शुरू कर दिया गया। ग्रामीणों का आक्रोश देखकर शिक्षक स्कूल में ही दुबके रहे। तहसीलदार तरुण प्रताप सिंह और SO राज बहादुर ने कार्रवाई का भरोसा देकर उनको शांत कराया।
अब देखिए दोस्त, यहाँ पर टीचर की क्या गलती है बताइए? अगर स्कूल ही कमजोर बना है तो इसमें टीचर की क्या गलती है? तो कल जब आप लोग टीचर बनेंगे तो ये सब सारी समस्याएं आपके सामने भी आएगी। तो इसीलिए हम हर एक अपडेट आप तक पहुंचाते हैं कि कभी कभी आपको ये लगेगा भैया हमारी तो कोई गलती ही नहीं है, लेकिन हम मामले में फंस गए। ठीक है, तो ये सब दोस्तों होता रहता है। हर एक जानकारी आप तक होनी चाहिए, चाहे TGT की अपडेट हो, चाहे PGT की अपडेट हो, चाहे दोस्त स्कूल की कोई अपडेट निकल कर आ रही हो, चाहे पेंशन की अपडेट हो। तो पुरानी पेंशन बहाली आंदोलन जनपद स्तरीय धरना आंदोलन के संबंध में उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक संघ का आह्वान। ठीक है, तो आप देख सकते हैं हर जगह से अलग अलग अपडेट देखने को मिल रही है। BEd वर्सेस BSTC कहिए या BTC सुप्रीम कोर्ट की न्यूज अपडेट। जी हाँ दोस्तों, पल पल की अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे। जी हाँ दोस्तों, 2 सितंबर 2022 की जितनी भी अपडेट निकल कर आएंगी हर एक अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे। UPTET CTET एग्जाम डेट 2022 की भी अपडेट हम आप तक लगातार पहुंचाते रहेंगे। बस एक काम करते रहिएगा, आप लोग परीक्षा की जो तैयारी उसको बेहतर तरीके से करिएगा, लापरवाही की कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। ठीक है ना? तो ठीक है, बाकी जो और अपडेट्स आएंगे अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे। और याद रखिए दोस्तों, जो हमारी परीक्षा की तारीख हो सकती है वो या तो 4 दिसंबर हो सकती है, या तो दोस्तों 11 दिसंबर हो सकती है, या तो 18 दिसंबर। देखिए 25 दिसंबर को पड़ रहा है संडे, ठीक है, उसके बाद 1 जनवरी को आपका संडे पड़ जाएगा। तो मतलब 25 और 1 तारीख को पेपर होना थोड़ा मुश्किल है। बाकी या तो पेपर जल्दी में होगा तो हो सकता है कि 27 नवंबर को ही हो जाए। ठीक है, तो इन 4 तारीखों में हो सकता है कि परीक्षा का ऐलान कर दिया जाए। UPTET का पेपर दोस्तों आपने देख सका होगा कि अक्सर संडे के दिन पड़ता है। जी हाँ दोस्तों, रविवार को ही UPTET का पेपर अधिकांश देखने को मिलता है। तो तैयारी कर लीजिए 27 नवंबर से लेकर 18 दिसंबर इन 4 तारीखों में, 27, 4, 11 और 18। उम्मीद है दोस्त इसमें परीक्षा की डेट आ जानी चाहिए। बाकी CTET का एग्जाम देखिए, ये ऑनलाइन माध्यम से होगा आपका CTET का एग्जाम, ठीक है, इस बात को जरा समझ जाइए। ऑनलाइन का मतलब दोस्त ये कि CTET का पेपर एक दिन में नहीं होगा, लगातार चलता रहेगा शिफ्ट वाइज। ठीक है, तो जब पेपर एक से ज़्यादा दिन में होगा तो उसका रिजल्ट भी आने में समय लगता है। अब क्या, पहले क्या होता था, CTET का एक ही एग्जाम होता था पूरे देश भर में, ठीक है, तो उसके आंसर की तुरंत के तुरंत जारी कर दी जाती थी। लेकिन अब CTET का पेपर अलग अलग दिन अलग अलग शिफ्ट में कराया जाएगा, तो सभी शिफ्ट का अलग अलग आंसर किया जाएगा, ठीक है। उसके बाद दोस्तों जब ऑब्जेक्शन फाइल होता है तो उसमें समय लग जाता है। कुल मिला के CTET में अब समय ज़्यादा लगता है, UPTET में समय कम लगता है। और एक बात समझ लीजिए वीडियो के अंत में जाते जाते कि अगर SuperTET, जी हाँ दोस्तों, शिक्षक भर्ती के लिए आवेदन की प्रक्रिया जल्द शुरू होती है, ठीक है ना, तो फिर आपके लिए एक बड़ी समस्या और आने वाली है। जो भी दोस्तों अपडेट आएगी हम आप तक पहुंचाएंगे। SuperTET की दोस्तों क्या समस्या जरा समझ लीजिए वीडियो के अंत में जाते जाते। देखिए, अगर शिक्षक भर्ती के लिए आवेदन की प्रक्रिया जल्द शुरू हो गई तो जिन बच्चों का टेट क्लियर नहीं है वो बच्चे आवेदन नहीं कर पाएंगे। अगर दोस्तों, ठीक है, तो देखते हैं क्या अपडेट आती है। फिलहाल ये मान के चलिए अगर SuperTET या शिक्षक भर्ती का फॉर्म 2022 में आता है तो लाखों बच्चे आवेदन से वंचित रह जाएंगे। मिलते हैं एक और वीडियो में। कमेंट बॉक्स में लिंक दिया गया जहां से आप लोग UPTET की कोर्ट न्यूज लगातार प्राप्त कर पाएंगे, BTC BEd वाला मामला जो चल रहा है, ठीक है, जूनियर शिक्षक भर्ती का रिजल्ट डाउनलोड कर पाएंगे, बाकी कुछ और अपडेट्स प्राप्त कर पाएंगे। फिर मिलते हैं, स्टे कनेक्टेड, हैव अ नाइस डे।